हरीश फुलेरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 5S प्रणाली के बारे में। जानते हैं 5S प्रणाली क्या है। 5S प्रणाली एक जापानी तकनीक है। इसका जो विकास हुआ वो जापान में हुआ, इसलिए 5S को एक जापानी तकनीकी माना जाता है। लगभग हर जापानी अपने काम करने, जहाँ पर वो कार्य करता है वर्क प्लेस में, अपनी लाइफ स्टाइल में 5S मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि 5S होते हैं, यानी कि 5S होते हैं और पांचों एसों का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पांचों एसों का पूरा नाम जान लेते हैं। तो पहला जो एस है, इसे जापानी भाषा में सिरी कहा जाता है। पहले एस को जापानी जो लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेज में सिरी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट नाम दिया गया है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है सही चयन, जिसे हम छांटना भी कहते हैं। दूसरे एस का जो जापानी नाम है वह है सिटोन। इंग्लिश में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर और हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्था। अब जो तीसरा एस है, तीसरे एस को जापानी में सीसो कहा जाता है। इंग्लिश में हम साइन कहते हैं या क्लीन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं स्वच्छता। चौथा जो जापानी एस का अर्थ है वह है सिकेसु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडाइज और हिंदी में कहते हैं मानकीकरण। पांचवा जो एस है वो जापानी भाषा में सिकेसु कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में इसे सस्टेन कहते हैं और हिंदी भाषा में इसे अनुशासन कहा जाता है। तो पहले एस को समझते हैं। पहला एस अर्थात सॉर्ट, सॉर्ट मतलब छांटना। सबसे पहले हमें वस्तुओं की एक सूची बना लेते हैं, जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं उनकी हम एक सूची बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। और जो ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है उनकी एक लिस्ट बना ली, जो ज़रूरी नहीं है उनको अलग कर देते हैं। यह 5S का पहला स्टेप है। नाम से ही पता चलता है कि छांटना मतलब अलग करना। इसमें हम अपने काम की वस्तुओं को अपने पास रखते हैं और फालतू वस्तुओं को हटा देते हैं। जितनी मात्रा में हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उतनी ही मात्रा हम मंगाते हैं। अपने वर्क प्लेस पर चारों तरफ ध्यान दें कि कहीं कोई फालतू वस्तु तो नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर फालतू वस्तु पड़ी होगी तो फिर ढूंढने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो अपने पहले एस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इन फालतू वस्तुओं को हटा देते हैं। इन्हें हटाने से पहले हम इसकी एक सूची बनाएंगे और ये कंफर्म करेंगे कि जो वस्तुएं हम हटा रहे हैं वो हमारे किसी काम की हैं या नहीं हैं। जिस प्रकार से उपयोग में लाई जानी हो या जिस क्रम में वस्तुओं को यूज किया जाता है उन्हें उसी क्रम में रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वस्तुओं को हिसाब से रखने में कम स्थान की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वस्तुओं को जो है हिसाब से रखेंगे तो वस्तुएँ स्थान कम घेरती हैं। तो वस्तुओं की सूची हम कैसे बनाएं? अपने काम के अनुसार से उपयोग में आने वाली वस्तुओं की सूची बहुत ही आसानी से बन सकती है। जो वस्तुएं उपयोग में नहीं आने वाली हैं उनको अलग स्थान पर कहीं दूर रख दें। जिन वस्तुओं की ज़रूरत बार बार पड़ती है उनको सबसे पास रखें, ताकि ढूंढने में जो समय ना लगे। चौथा है, अब जो वस्तुएँ उपयोग के अनुसार निकली हैं उन्हें ज़रूरत के अनुसार लगाएँ। जो वस्तुएँ सबसे ज़्यादा यूज में आती हैं उन्हें सबसे पास में, और जो कम यूज में आती हैं उन्हें थोड़ा दूर स्थान पर रख दें। लाभ क्या होते हैं इससे? कार्य क्षेत्र पहले तो अच्छा दिखता है, दूसरा वस्तुओं को ढूंढने में खोजने में समय नहीं लगता, और तीसरा है वस्तु चेक करने में समय नहीं लगता। अब है दूसरा एस, जिसका मतलब है सेट इन ऑर्डर, मतलब सुव्यवस्था। नाम से ही पता चलता है, उपयोग में आने वाली वस्तुओं का एक क्रम निर्धारित करें, उस स्थान को एक नाम दे दें और उस वस्तुओं को उपयोग में होने के बाद उसी जगह पर रख दें। मतलब हमने जब यूज किया उसके बाद जो है उसकी जो निर्धारित स्थान था, जो नाम दे रखा है, उसको उसी स्थान पर रख दें। तो ये सुव्यवस्था का मतलब है, सभी चीज़ों की एक निर्धारित जगह हो और सभी चीज़ें अपनी जगहों पर हों। वस्तुओं को उपयोग करने के बाद उसी स्थान पर रख दिया जाता है, ताकि अगर दूसरे किसी व्यक्ति को उस वस्तु की ज़रूरत हो तो वह आसानी से उस व्यक्ति को मिल सके। इससे कार्य करने में आसानी होती है। वस्तुओं को उनके साइज के हिसाब से रखें,
जिन वस्तुओं की जो जगह बनाई गई है उस वस्तुओं को उसी स्थान पर रखना चाहिए, जिससे जब उन वस्तुओं की ज़रूरत पड़े तो उन्हें आसानी से हम उपयोग में ला सकें। अगर आप अपने कार्यस्थल पर इस दूसरे एस यानी कि सेट इन ऑर्डर को लागू करते हैं तो सबसे पहले तो स्पेस की बचत होगी यानी कि जगह की बचत होगी, और दूसरा इसमें आपको चीज़ों को ढूंढने में समय खराब नहीं होता और आपका जो सर्चिंग टाइम है वो कम हो जाता है। तो उपयोग के अनुसार कैसे लगाएं? तो सबसे पहले उपयोग में आने वाली वस्तुओं को का एक नामकरण कर दें, एक नाम दे दें। दूसरा, वस्तु के अनुसार उनकी एक निश्चित जगह दे दें और उस जगह का भी एक नाम दे दें। तीसरा, वस्तु को उपयोग में आने के बाद उसको उसी जगह पर रखें जहाँ उसका स्थान बनाया। आपने जो एक बार स्थान निर्धारित कर दिया किसी वस्तु का, तो उस वस्तु को जब आप यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद पुनः फिर उसी स्थान पर रखें, और हो सके तो कलर कोड का यूज करें, एक कलर कोड का यूज करें, और वस्तुओं की सूची कहीं पर लगा दें, एक सूची बना दें और सूची लगा दें। छठा है, उस कार्यस्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इस एस का पालन करना भी चाहिए। लाभ क्या है इससे? वस्तुओं की पहचान करने में समय नहीं लगता। दूसरा है, वस्तुओं को खोजने में टाइम नहीं लगता। तीसरा है, कोई भी व्यक्ति आसानी से वस्तु प्राप्त कर सकता है, बेशक ही वो नया क्यों ना हो। कौन सी वस्तु कहाँ है बहुत आसानी से जान सकते हैं, ये आप मेडिकल स्टोर में आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा। तीसरा है स्टेप 3, साइन चमकाना, मतलब कार्य क्षेत्र और वस्तु की साफ सफाई हमें नियमित करें। जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा कार्य स्थल है, वहाँ पर जिन भी वस्तुओं को हम यूज करते हैं उनकी जो सफाई है वो हमें नियमित करनी चाहिए, उन्हें चमका कर रखना चाहिए। वस्तुओं की साफ सफाई करते रहें और जिनको हम यूज कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल मशीनों उपकरणों और जो फ्लोर है को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। मशीनों में या पाइपलाइन में किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई लीकेज है भी तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। इस एस के कुछ नियम हैं, कभी भी चलती मशीन में सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस कपड़े से सफाई कर रहे हैं वह कपड़ा मशीन की मोटर में, बेल्ट में या स्पिंडल में फंस सकता है और जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मशीन को साफ करने से पहले मशीन को बंद कर दें, हो सके तो पावर को ऑफ करें। सफाई करने का एक समय तय होना चाहिए। ज़्यादातर कंपनियां या जो ऑर्गेनाइजेशन है में सफाई का एक टाइम टेबल बनाया गया है, बनाया जाता है, जिसमें दिन में 10 मिनट या वीकली जो है 15 से 20 मिनट सफाई का समय रखा जाता है। इस समय में सभी कर्मचारी अपनी अपनी मशीनों को, उपकरणों को या कार्यस्थल की सफाई वगैरह करते हैं। कैसे चमकाएं? साफ सफाई के दिशा निर्देश बनाएं और फिर इन दिशा निर्देशों का पालन भी करें। इसका एक समय निर्धारित करें। कार्य को कौन करने वाला है इसकी लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट को लगाएं। वस्तुओं का इंस्पेक्शन करें और निरीक्षण करते रहें वस्तुओं का, और जब खराब हो तो फिर उन्हें बदल दें। हमें क्लीनिंग विथ मीनिंग वाली पॉलिसी को फॉलो करें। लाभ क्या हैं? वस्तुएं साफ रहती हैं, वस्तुएं लंबे समय तक चलती हैं, और वस्तुओं को समय के अनुसार खराब होने से पहले चेंज कर सकते हैं। 5S का जो चौथा स्टेप है, चौथा एस है, जिसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं, यानी कि मानकीकरण। ये जो ऊपर हमने तीनों स्टेप को बताया, जो तीनों स्टेप को फॉलो करने की एक चेकलिस्ट बनाएं। तीनों स्टेपों को कैसे, कौन, कितनी देर करना है इसकी समय सूची अंकित करें। ऐसा करने पर एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और जो सबके लिए फॉलो करना अनिवार्य होगा। इसमें हम अपने द्वारा बनाए गए स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करते हैं। जैसे मान लो कंपनी में पानी की पाइप का एक कलर है, और कलर क्या है? ब्लू कलर की पाइपलाइन है। तो जब नई पाइपलाइन लगाएंगे या पाइपलाइन में मरम्मत करेंगे, तो जब मरम्मत करेंगे तो उसका कलर भी ब्लू होना चाहिए। इसमें हम ऊपर के तीनों एस का स्टैंडर्ड बनाकर रखते हैं। किसी एक व्यक्ति को फिर इसकी जिम्मेदारी देते हैं कि ऊपर के तीनों एसों का पालन सही से हो रहा है या नहीं। वह इसे एक बोर्ड के जरिए दिखा सकता है और उनके सामने, एस के सामने टिक का निशान लगा सकता है। तो स्टैंडर्डाइज की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए। मानकीकरण कैसे करें, स्टैंडर्डाइज कैसे करें?
फाइव एस के अंतर्गत जो कार्य डालें सबका दिशा निर्देश बनाएं, कार्य को करने में होने वाली वस्तुओं की चेकलिस्ट बनाएं और डेली चेक करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें यानी जिम्मेदारी तय कर दें किसी कार्मिक की। अगला है कार्य को करने में लगने वाले समय का आंगलन भी करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका वर्क इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लगा होना चाहिए। और छठा है वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लाभ क्या होते हैं इससे? कोई नया पर्सन भी उस कार्य को आसानी से कर सकता है। और दूसरा है तीनों स्टेप को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और तीसरा है कार्य को समझने में आसानी मिलती है। फाइव एस का लास्ट स्टेप है, पांचवा स्टेप, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल यानी कि अनुशासन। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण स्टेप है अनुशासन। अनुशासन बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कार्य करना। हर कंपनी की अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है। कंपनी में हर हालत में अनुशासन बनाए रखें। प्रत्येक कार्य को करते समय निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। इस एस में हमें कंपनी के प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय और कार्य प्रणाली के अनुसार ही करना चाहिए। कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना, कंपनी के टर्म्स और कंडीशन का पालन करना, कंपनी के और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं कि कंपनी में अनुशासन कैसे बनाए रखें। इसके लिए प्लांट को अलग अलग जोन में बांटा जाता है और इसका कंटिन्यू ऑडिट किया जाता है। अनुशासन कैसे बनाए रखें, रोज़ मॉनिटरिंग करें, सभी कर्मचारियों के इसके बारे में ट्रेनिंग दें, कर्मचारियों को मोटिवेट करें, प्रेरित करते रहें कि कंपनी में अनुशासन बनाए रखें। समय समय पर हर लेवल पर ऑडिट करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। सभी कर्मचारियों के बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और जो रेड टैग प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए। टीम वर्क बनाकर काम करना चाहिए। तो ये था 5S प्रणाली सिस्टम के बारे में। तो आज आप लोगों ने जाना। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी।